लटेरी में लटेरी वासियों के लिए रविवार का दिन सौगातों से भरा रहा। आज के दिन लटेरी में लगभग 70 करोड़ की विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा 23 जुलाई से 16 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में विकास पर्व कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस क्रम में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा रविवार को लटेरी में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा नवीन सब्जी मंडी प्रांगण का लोकार्पण, सिविल अस्पताल का भूमि पूजन, छात्रावास के पास दुकानों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर उमाकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार शोषित, गरीब, वंचित और किसानों की सेवा करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु अनगिनत योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वैभवशाली और शक्तिशाली बनाकर सारे संसार में देश का मान बढ़ाया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह संकल्प लेकर वह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज विकास पर्व के अवसर पर मैं अपनों के बीच उपस्थित होकर आनंदित हूँ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में आभार SDM निकिता तिवारी ने व्यक्त किया। मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से 1,29,00,000 के लगभग विकास कार्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण विकास पर्व के अवसर पर किया गया है। इस हेतु मैं श्रवण लटेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी को विकास पर्व के अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश और मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।